Good morning to all the students. Myself Vandana Thakur, and today I am dealing with the topic management of labor. सबसे पहले इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करूँगी कि जन्म से लेकर मतलब न्यू बॉर्न किसे कहा जाता है कि जब बेबी डिलीवर हो जाता है एट बर्थ से लेकर 28 डेज का जो टाइम पीरियड होता है उसे न्यूनेटल टाइम पीरियड्स कहा जाता है और जन्म से लेकर 28 दिन तक का जो बेबी होता है उसे न्यूनेट कहा जाता है। तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके लिए 4 सप्ताह मतलब 1 मंथ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। उस न्यूनेटल पीरियड्स में बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं, असामान्यताएँ आ सकती है, हो सकता है तो बेबी का डेथ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमको तुरंत इमिडिएटली उसका असेसमेंट करना चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए, उसके रिफ्लेक्स चेक करना चाहिए। इससे हमको तुरंत पता चल सकता है कि उसमें किसी प्रकार की कोई असामान्यताएँ तो नहीं है। तो सबसे पहले हम बेबी का असेसमेंट करेंगे, न्यू बॉर्न का असेसमेंट करना है जो कि 1 से लेके 4 वीक का है। तो असेसमेंट ऑफ न्यू बॉर्न, सबसे पहले सिग्निफिकेंट मेडिकल प्रॉब्लम। नवजात शिशु में किसी भी प्रकार की सिग्निफिकेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण मेडिकल प्रॉब्लम, किसी महत्वपूर्ण कोई बीमारी तो नहीं है, इस चीज़ का हमको पता लगाना है ताकि हम तुरंत उसका इमिडिएटली ट्रीटमेंट कर सकें, उपचार कर सकें। सेकेंड है कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशंस। इस नवजात शिशु में नवजात में हमको क्या करना है, कंजेनाइटल मतलब जन्मजात और मॉलफॉर्मेशंस मतलब विकृतियाँ। तो नवजात शिशु में हमको जन्मजात विकृति का हमको पता लगाना है और तुरंत उसका हमको ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट द हाइपोथर्मिया नोसोकोमियल इन्फेक्शंस ऑफ न्यूबॉर्न। हमको न्यूबॉर्न जो बेबी होता है उसको हाइपोथर्मिया से बचाना है। नेक्स्ट नोसोकोमियल इन्फेक्शंस होता है उससे भी हमको बचाना चाहिए। नेक्स्ट है जेस्टेशनल एज, न्यूबॉर्न की जेस्टेशनल एज का हमको पता भी लगाना चाहिए। ये तो हमारा असेसमेंट हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल असेसमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न मतलब नवजात शिशु का आरंभिक आंकलन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू इवैल्यूएट द फर्स्ट क्राई, रिस्पायरेशन रेट, हार्ट रेट, स्किन कलर एक्सेट्रा। तो नवजात शिशु के हमको प्रारंभिक आंकलन करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की जो फर्स्ट क्राई होती है यानी पहली जो चीख होती है, पहले वो किस रोता है कि नहीं, उसके बाद रिस्पायरेशन रेट, उसकी हृदय की धड़कन हो गया, श्वसन दर हो गया, त्वचा का रंग हो गया, ये सब चीज़ों का हमको मूल्यांकन करना चाहिए, उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। सेकंड है टू इवैल्यूएट द कॉन्शियस लेवल, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी एक्टिविटी लेवल, बर्थ इंजरी, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस, बॉडी पोस्चर एक्सेट्रा। मीन्स इसके अलावा भी मैंने जो अभी बताया कि फर्स्ट क्राई ये तो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको हमको तुरंत चेक करना है। सेकंड इसके अलावा हमको क्या करना है, बेबी का जो कॉन्शियस लेवल होता है मतलब चेतन का जो स्तर होता है, शरीर का तापमान हो गया, बॉडी की जो गतिविधियाँ होती है, यदि जन्म के समय किसी प्रकार की कोई इंजुरी हो गई है वो तो नहीं है, जन्मजात विकृतियाँ तो नहीं है, उसका बॉडी पोस्चर कैसा है, शारीरिक स्थिति कैसी है, ये सभी का भी हमको इवैल्यूएशन करना चाहिए, आंकलन करना चाहिए। तो ये था हमारा इनिशियल असेसमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न मीन्स नवजात शिशु का आरंभिक आंकलन हमको कैसे करना है। नेक्स्ट है अबगार स्कोर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अबगार स्कोर चेक करते हैं। तो अबगार स्कोरिंग के लिए नवजात शिशु का जो आरंभिक आंकलन होता है उसमें अबगार स्कोरिंग किया जाता है, मतलब सबसे पहले हमको असेसमेंट करना है तो हमको क्या करना चाहिए, आंकलन हमको इवैल्यूएशन अबगार स्कोर का करना चाहिए। तो अबगार स्कोर किया जाता है, ये एक क्या है होती है विधि होती है एक प्रकार से, जिसमें US के एक डॉक्टर है। अबगार स्कोर इज इन्वेंटेड बाई डॉक्टर विजयना अबगार इन 1952। जो डॉक्टर विजयना अबगार थे उन्होंने 1992 में ये विकसित किया था, अबगार स्कोर को दिया था। और अबगार स्कोरिंग के दौरान उन्होंने 5 लक्षणों का क्या है असेसमेंट भी किया है, जो कि अभी एक एक करके मैं बताऊंगी। इसमें सेकंड है द बेबी फर्स्ट टेस्ट, इसमें बेबी के ऊपर पहला टेस्ट किया जाता है, उसमें क्यूब असेसमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न ओवल ऑन बीम, उसमें हम तुरंत क्या करते हैं असेसमेंट करते हैं। जो अबगार स्कोर का टाइमिंग पीरियड होता है वो कितना होता है, जैसे कि एट बर्थ हो गया, एट बर्थ में हम क्या करते हैं 1 मिनट अबगार स्कोरिंग करते हैं,
फिर आफ्टर देन क्या करेंगे, कुछ देर बाद 5 मिनट्स आफ्टर फिर से हम अपना स्कोर चेक करते हैं, फिर आफ्टर देन 15 मिनट्स, यानी हर 1, 5, 15, यानी हर हम इफ जरूरत तो पड़े तो हमको 15 मिनट में फिर से हमको अंकार स्कोरिंग को क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। तो ये था हमारा टाइम्स ऑफ अंकारिंग, टाइमिंग ऑफ अंकार स्कोर। इसमें दिया भी है कि 5 स्कोर है, फर्स्ट है हमारा एक्टिविटी, सेकंड है पल्स, जी फॉर ग्रामिनेस है ना ग्रेविस, और ई फॉर अपियरेंस, और आर फॉर रिस्पायरेशन। थर्ड है हार्ट रेट, हार्ट रेट यदि बेबी की अब्सेंट है तो उसे 0 मार्क्स दिया जाता है, स्लो हार्ट रेट है तो उसे 1 1 मार्क्स दिया जाता है, जैसे कि लेस देन 100 बीट पर मिनट, एडिक्वेट हार्ट रेट है तो उसे 2 मिनट्स दिया जाता है। नेक्स्ट है मसल स्टोन, मसल स्टोन को चेक करते हैं तो उसमें भी हम मार्क्स जो रहते हैं वो डिवाइडेड रहते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस में रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटीज। इसमें जो यदि कोई बेबी जो है यदि कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसको 0 मार्क्स दिया जाएगा। ग्रैमिस है यदि फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा वो दे रहा है तो उसे 1 मार्क्स दिया जाता है, और यदि वो विड्रॉल है यदि क्राई नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में, या क्राई कर रहा है तो उसको 2 मार्क्स दिया जाता है। उसकी लिमिटेशन जो रहती है वो क्यूब असेसमेंट किया जाता है और डज नॉट नेसेसरी इंडिकेट अ बेबी लॉन्ग टर्म बिहेवियर्स। नेक्स्ट है सब्सिक्वेंट असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न, मीन्स हमने अभी सबसे पहले क्या पढ़ा था, नवजात शिशु का प्रारंभिक आंकलन पढ़ लिया था। अब दूसरा नंबर है सब्सिक्वेंट असेसमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न, मतलब बाद वाली जो अवधि होती है उसके दौरान हमको क्या आंकलन, कैसे आंकलन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या आंकलन करेंगे, असेसमेंट ऑफ वाइटल साइंस। वाइटल साइंस के अंदर हमारे 4 कंपोनेंट्स आते हैं, जो कि फर्स्ट होता है बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, बीपी। तो उसमें हम बेबी का टेम्परेचर चेक करते हैं, पल्स, रिस्पायरेशन, बीपी सब चेक किया जाता है हर 24 आवर्स के दौरान पे। तो इसमें अभी मैंने देखा कि जो नवजात शिशु का बॉडी टेम्परेचर होता है वो 36 डिग्री से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। नॉर्मल जो पल्स होती है वो पल्स जो रहती है वो कितनी रहती है, 120 से लेकर 160 बीट पर मिनट्स रहती है। नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट जो रहता है वो 40 टू 60 बीट ब्रीथ पर मिनट, और ब्लड प्रेशर जो रहता है वो सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 60 टू 80 mmHg, और डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो 20 टू 40 25 टू 40 mmHg। सेकेंड है मेजर्स ऑफ बॉडी वेट, शरीर के वजन का हमको मापना चाहिए। जैसे कि नवजात शिशु का जो बॉडी वेट होता है वो 2.5 से लेकर 3.0 kg यानी 3 kg होता है, कीमत होता है। यदि वो बेबी जो है यदि बाहर के वातावरण में जा रहा है उस कंडीशन में थोड़ा सा जो बॉडी वेट होता है उसमें क्या हो सकती है, कमी आ सकती है। और क्या होता है, यह जो वजन होता है लगभग 10वें दिन तक रिअवेट हो सकता है फिर से। थर्ड नंबर है असेसमेंट ऑफ जनरल बिहेवियर, सामान्य व्यवहार का हमको आंकलन करना चाहिए। जैसे कि असेसमेंट ऑफ द फिजिकल स्टेटस, एक्टिविटीज, पैटर्न ऑफ क्राइंग एंड स्लीपिंग एक्सेट्रा। इस नवजात शिशु की जो गतिविधि है, शारीरिक स्थिति होती है या उसकी गतिविधियाँ होती है, बेबी का रोना, बेबी का सोने का पैटर्न, सभी का क्या किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सन, समानता नवजात शिशु का जो बॉडी पोस्चर होता है अच्छी तरीके से वो मुड़ा हुआ है कि नहीं, वो सही तरीके से क्रियाशील कर रहा है कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं, वो चीज़ का देखा जाता है। क्योंकि जन्म के बाद क्या होता है, बेबी के बर्थ के बाद 1 घंटे के दौरान नवजात जो रहता है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है एंड एक्टिव होता है और रोता भी बहुत ज़्यादा है। तो और इसके बाद क्या है, हमको आधा घंटे जैसे ही बर्थ होता है, बर्थ के बाद हमको हाफ एंड आवर यानी 30 मिनट्स के बाद के दौरान हमको ब्रेस्ट फीड प्रारंभ करवा देना चाहिए। क्योंकि इसमें जब वो एक्टिव रहता है और वो जागता हुआ रहता है उस समय वो धीरे धीरे अपने हाथ पैर को खिलाता हुआ रहता है और रोता रहता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, नवजात शिशु के व्यवहार का हम आंकलन करते हैं।
नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ फीडिंग एंड एलिमिनेशन पैटर्न, जिसमें हम सबसे पहले बेबी का क्या करते हैं, रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, जो सामान्यतः है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्सेस होता क्या है। रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो उनका चेक किया जाता है कि उसमें बेबी जो है वो सही तरीके से अपने आप में फ्लैक्स हो रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है। तो रिफ्लेक्शन चेक करने के, जैसे कि जन्म के तुरंत बाद नवजात में वो शकिंग एवं फ्लोइंग रिफ्लेक्स मौजूद होता है। नवजात शिशु में यदि वो क्या हो रहा है, रिगर्जिटेट कर रहा है, मतलब झाग वगैरह लेके आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, बेबी का सावधानीपूर्वक केयर करना चाहिए और उसका असेसमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट है मेकोनियम। मेकोनियम मतलब जब सामान्यतः नवजात शिशु के जन्म के बाद 24 घंटे के दौरान यदि वो यूरिन एवं स्टूल का त्याग करना प्रारंभ कर देता है, यानी फर्स्ट स्टूल पास करता है, उस कंडीशन को बोला जाता है मेकोनियम। फिफ्थ नंबर है मेजरमेंट ऑफ हेड सर्कमफेरेंस, मतलब सिर की परिधि का हमको परीक्षण करना चाहिए या मापना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद जो बेबी का सर होता है उसमें मॉडलिंग होती है, ठीक है। तो मॉडलिंग में क्या होता है, सिर का जो ड्यूरेशन होता है, सिर का जो मापते हैं, तो 24 घंटे के बाद हमको मापना जो रहता है वो बहुत ज़्यादा उचित रहता है। 24 घंटे के बाद क्या होता है, जो कैपुट सक्सीडेनम होता है, मैंने पहले बताया था कि जो कैपुट सक्सीडेनम होता क्या है, जब सर पे प्रेशर अप्लाई होता है उस कंडीशन में हो सकता है बेबी के सर में स्वेलिंग्स वगैरह हो, तो ये सब चीज़ें गायब हो जाती है। इसलिए हमको 24 घंटे के बाद सही टाइम क्या है, 24 घंटे के बाद हमको बेबी के हार्ट सर्कमफेरेंस का मापना चाहिए, मेजर्स करना चाहिए, जो कि नॉर्मल हार्ट सर्कमफेरेंस होता है 33 से लेकर 35 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ चेस्ट सर्कमफेरेंस, जो चेस्ट होता है, जो हमारा वक्ष होता है, उसका हमको परिधि का मापना चाहिए। तो इसका जो नॉर्मल चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है वो 30 से लेकर 33 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है जो इसमें अभी बताया कि जो ये तो हमारा नॉर्मल चेस्ट सर्कमफेरेंस कितना हो गया है, 30 से लेकर 33 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है। यदि कोई बेबी प्री मेच्योर है या माल न्यूट्रिएंट्स है, मतलब प्री मेच्योर है, या तो फिर क्या हो सकता है, जन्म से पहले ही पैदा हो जाना जिसको बोला जाता है, या कोई बच्चा जो है बहुत ज़्यादा कुपोषित है, उस समय उसका जो चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है इसकी नॉर्मल की अपेक्षा बहुत कम होता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, हम क्या करते हैं, लंबाई का मापन करते हैं, जैसे कि नॉर्मल लेंथ कितनी होती है लंबाई का, जैसे नवजात शिशु जो होता है, नवजात शिशु का सिर से लेकर पैर तक का उसकी लंबाई का मापना चाहिए, हेड टू फुट मापना चाहिए, जिसमें कि नॉर्मल लेंथ होती है 45 से लेकर 50 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब शारीरिक परीक्षण भी हमको करना चाहिए। जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने अभी बताया कि हेड टू टू उसका पूरा परीक्षण करना है, तो सबसे पहले हम किसका परीक्षण करते हैं, हेड का, एग्जामिनेशन ऑफ द हेड। बेबी के हमको सर का पता हो, सर का पूरा परीक्षण करना चाहिए, सिर का परीक्षण करना चाहिए, जैसे कि कैपुट सक्सीडेनम का मॉडलिंग का करना चाहिए। यदि किसी प्रकार का डिलीवरी के पश्चात यदि फोर्सेप का कोई निशान तो नहीं है, हाइड्रोसिफेलस वगैरह की कंडीशन तो नहीं है, यदि उसका बेबी का सर जो है वो चौड़ा तो नहीं है, ये सब चीज़ों को हमको क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। सेकेंड है एग्जामिनेशन ऑफ द फेस, नवजात शिशु के चेहरे का भी हमको परीक्षण करना चाहिए, जैसे उसमें किसी प्रकार की कोई असामान्यताएँ तो नहीं आ रही है, जैसे कि एग्जाम्पल नोज आई, ईयर, इनकी स्थिति कैसी है, जबड़े का आकार कैसा है, स्वेलिंग तो नहीं है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन तो नहीं है, नवजात विकृतियाँ तो नहीं है, ये चीज़ें हम एग्जामिनेशन ऑफ द फेस में करते हैं। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ आइज, आँखों का हमको परीक्षण करना चाहिए। आँखों के परीक्षण के लिए जो किसी प्रकार का आई से आँख से कोई पानी यानी तो स्त्राव नहीं हो रहा है, और कंजक्टिवाइटिस की उपस्थिति तो नहीं है, स्क्लेरा का रंग कैसा है, आँखों का आकार कैसा है, कंजनाइटल मालफॉर्मेशंस नहीं है, इसका हमको सब कुछ से पहले पता लगाना है। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ द नोज, मतलब सीक्वेंस वाइज हमको क्या है फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए। तो एग्जामिनेशन ऑफ नोज में हम क्या करते हैं, उसके नोज़ का पता लगाते हैं कि उसमें नोज़ में जो नेजल फियरिंग्स हैं उसकी उपस्थिति है कि नहीं। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ द माउथ,
इसमें हम आई का भी परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ द माउथ, इसमें माउथ का आकार देखते हैं, उसमें नॉर्मेलिटीज तो नहीं है, क्लैफ्ट लिप या क्लैफ्ट पैलेट की उपस्थिति तो नहीं है, मतलब माल फॉर्मेशन तो नहीं है वो कंजनाइटल। ओरल कैविटी का आकार कैसा है, जन्मजात में दांतों की उपस्थिति वगैरह और टंग जीभ की उपस्थिति कैसी है, ये सब चीज़ें हमको देखना है। नेक्स्ट है नेक, नवजात शिशु की गर्दन छोटी तो नहीं है या तो फिर फोल्ड तो नहीं है, ये चीज़ों का हमको पता लगाना है, वो रिफ्लेक्सेस कर रही है कि नहीं ये भी पता लगाना है, यदि बेबी में डाउन सिंड्रोम वगैरह तो नहीं है, ये भी हम नेक में पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ द चेस्ट, हमको चेस्ट की चेस्ट का चेस्ट सर्कमफेरेंस उसका नापना चाहिए। नेक्स्ट है एब्डोमेन का एग्जामिनेशन ऑफ द एब्डोमेन, उसके एब्डोमेन का भी हमको परीक्षण करना है। नेक्स्ट है ऑस्कल्टेट करके, है ना, ऑस्कल्टेट करके क्या किया जाता है, एब्डोमेन का परीक्षण किया जाता है। एग्जामिनेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, नाभि नाल में हमको पता है कि टू आर्टरीज और वन वेंस होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको सावधानीपूर्वक परीक्षण करना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का जो ब्लड है वो लीकेज तो नहीं हो रहा है, तो इसका भी हमको पता लगाना है, उसको हाइजीनिक अच्छे से मेंटेन करना है। तो ये सब एग्जामिनेशन हम किसका करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड का। नेक्स्ट है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सटर्नल जेनाइटल्स, हम क्या करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल्स का, जेनाइटल्स का क्या करते हैं, टेस्ट किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ द बैक, बैक का भी हम परीक्षण करते हैं। फिर नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ द बटक, उसमें किसी प्रकार का एबनॉर्मल मास तो इकट्ठा नहीं है, उसका टेस्ट किया जाता है, उसमें एनस में किसी भी प्रकार का एनल फिशर या तो फिर एनल ओपनिंग तो नहीं है, इसका भी सावधानीपूर्वक हमको परीक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़, इसमें हम क्या करते हैं, नवजात शिशु के जो हाथ पैरों का है वो सभी का हम परीक्षण करते हैं, हाथ एवं पैरों की किस उसका आकार कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है, वो एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, फ्रैक्चर तो नहीं है, पैरालाइज तो नहीं है उनकी हड्डियाँ, तो ये सब चीज़ों का हमको परीक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ द स्किन, हम नवजात शिशु की स्किन का भी हमको पता करना चाहिए कि उसमें वर्निक एसिओसा जो है वो उपस्थित है कि नहीं, क्योंकि हमको पता है कि स्किन जो रहती है बहुत ज़्यादा पिंकिश कलर होता है, कॉमन होती है, चिकनी होती है, तो जन्म के समय जो त्वचा होता है वो सफ़ेद भूरे रंग का होता है, मतलब ग्रेश वाइट होता है, इसमें बहुत इसमें जैसे पदार्थ वगैरह होता है जो अवतरित रहती है, जिसे हम बोलते हैं वर्निक एसिओसा के नाम से इसे जाना जाता है। नवजात शिशु में हम त्वचा का हमको परीक्षण करना चाहिए, जैसे कि कई बार त्वचा का जो रंग होता है वो हो सकता है साइनोसिस होता है, मतलब ब्लूइश कलरेशन ऑफ द स्किन, या तो फिर ज्वाइंटिस पीला कलर भी हो सकता है, लेनिगो हेयर प्रेजेंट है कि नहीं, ये सब चीज़ों का हम पता किसके अंदर करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ द स्किन। लास्ट है एग्जामिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्सेस, हमें क्या करना चाहिए, नवजात शिशु के रिफ्लेक्सेस चेक करना चाहिए, यानी नवजात शिशु में होने वाले जो हमारे परिवर्तन होते हैं, प्रतिवर्त होता है, उसको भी हमको चेक करना है। तो ये था हमारा फिजिकल एग्जामिनेशंस जिसको हमने एक्सप्लेन कर। थैंक यू सो मच।